नमस्ते बच्चों, पूर्व की कक्षा में हमने स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण के गुणांक में अध्ययन किया। उस पर आधारित हम एक प्रश्न हल करते हैं कि किसी भी कुंडली एक प्रश्न हम लें। प्रश्न मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर पैंतालीस एम्पियर प्रति मिनट है। तथा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बारह वोल्ट है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास एक प्रश्न है कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 45 एम्पियर प्रति मिनट है तथा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 12 वोल्ट है। कुंडली का हमें क्या ज्ञात करना है? स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। L का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम हल करेंगे। तो दिया है धारा परिवर्तन की दर, हम लिखते हैं di/dt। समय के सापेक्ष क्या है? I धारा जो है परिवर्तन की दर है। तो 45 कितना है? एम्पियर प्रति मिनट। तो 45 एम्पियर और ये बटा हुआ, और नीचे क्या है? समय। तो समय हमको किस में दिया है? मिनट में। तो 45 एम्पियर प्रति मिनट, तो उसे हम यहाँ पे कितना है? एक है। तो धारा जो परिवर्तन की दर जो दी गई है उसे हम लिखेंगे di/dt बराबर 45 एम्पियर बटे एक मिनट। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो एक मिनट में होता है 60 सेकंड। तो हम इसे लिखेंगे 45 एम्पियर बटे 60 सेकंड। तो हमने मिनट को क्या किया? सेकंड में परिवर्तित कर लिया। 45 एम्पियर बटे 60 सेकंड, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। तो E का मान हमें दिया गया है, E बराबर कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। तो यहाँ पे दिया गया है कि E बराबर है 12 वोल्ट। अब हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र यदि हम लिखें तो E बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? विद्युत वाहक बल। तो हम सूत्र जो है वह E के लिए लगाएंगे। तो E बराबर हम जानते हैं LdI/dt, ये होता है E बराबर LdI/dt होता है। अब हम यदि क्या ज्ञात करना है? स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए किसका मान चाहिए? L का मान। तो L का मान हम
निकालेंगे तो L बराबर, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो E के बटा में क्या आ जाएगा? डी आई अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से हमने L का मान निकाला, L बराबर E अपॉन डी आई अपॉन डी टी। अब इसमें हम क्या करें, मान रख दें। तो मान रखते हैं हम, E का मान कितना है? 12 वोल्ट। तो ये रख दिए E का मान 12 बटे डी आई बटे डी टी का मान। देखिए डी आई बटे डी टी हमने निकाला है 45 बटे 60, तो उसे हम रख दिए यहाँ पे 45 बटे 60। अब इसे हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो अंश में है 12, पूरे के बटे में फिर अंश बटे हर है, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 12 गुणा 60 बटे में क्या होगा 45। तो इस प्रकार इसे हम हल करें, ऊपर ले जाएं, तो 12 गुणा 60 बटे होगा 45। अब 12 पंचे 60 जाएगा, 12 से जाएगा, 45 कटेगा 12 से? नहीं कटेगा, 12 चौक 60 होता है कि 12 पंचे 60 होता है? 12 चौक 48, 12 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 15 चौक 60, 15 तिया 45। तो हम 15 से काटे तो 15 चौक 60 और हो गया 15 तिया 45। अब देखिए 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इस प्रकार से हमने हल किया, तो L बराबर 4 गुणा 4, तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो 4 गुणा 4 हमें प्राप्त हुआ बराबर 16। तो इस प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान कितना मिला 16। अब हम इसका मात्रक क्या लिखेंगे, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। तो 16 क्या लिखेंगे हम, हेनरी। तो इस प्रकार से यदि हमें कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 45 एम्पियर प्रति मिनट दी गई है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 12 वोल्ट दिया गया है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा, 16 हेनरी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है, हम लिखेंगे कि L स्वप्रेरकत्व का मान L बराबर 16 हेनरी। तो हमें ये प्राप्त होगा L का मान 16 हेनरी, और इसे आप अपने तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हैं, तो आपको 16 हेनरी प्राप्त होगा। तो ये स्वप्रेरकत्व पर आधारित एक प्रश्न है। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। समतल वृत्ताकार कोई कुंडली है, तो समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक, तो कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है उसके लिए स्वप्रेरण गुणांक L का मान कितना प्राप्त होगा, उसके लिए हम हल करें व्यंजक। समतल वृत्ताकार कुंडली समतल है, और कैसी है कुंडली, वृत्ताकार। तो समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक
देखें समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक। अब मान लेते हैं कि वह जो समतल वृत्ताकार कुंडली है तो किस आकार का है? वह वृत्ताकार। तो उस समतल वृत्ताकार कुंडली की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है। तो हम लिखें कि मान लो समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या क्या है? बराबर स्मॉल आर है। कुंडली है तो कुंडली में हम क्या करेंगे? फेरे। तो कुंडली में क्या होगी? फेरों की संख्या। तो कुंडली में जो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या उसे हम मान लेते हैं स्मॉल एन है। तो कुंडली में फेरों की संख्या है एन। तो उसमें क्या होगा? विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा हम क्या करेंगे? आई प्रवाहित की जाए। तो जो वृत्ताकार कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो विद्युत धारा आई प्रवाहित की जाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल बी से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर बड़े अक्षर बी से दर्शाते हैं। तो बी बराबर हमें मिलेगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू पाई एन आई अपॉन आर। कि यदि समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R है, फेरों की संख्या N है, विद्युत धारा I है, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स B बराबर म्यू जीरो बटे फोर पाई, कांस्टेंट राशि है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, N जो है वह फेरों की संख्या है, I धारा है, इनका गुणनफल बटे त्रिज्या। तो ये पूरी राशि हमारी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब देखिए पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। दो से चार भी क्या होगा? दो दुनी चार। तो इस प्रकार से बी बराबर यदि हम देखें तो इसी के मैं आगे लिख देता हूँ। तो ये हो गया म्यू जीरो बटे, अब ये कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है और दो दुनी चार, तो यहाँ क्या बचेगा? नीचे टू आर बचेगा। तो म्यू जीरो ऊपर में है और नीचे टू आर, तो ये म्यू जीरो हो गया, टू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दो दुनी चार, और क्या बचेगा? एन आई। तो म्यू जीरो एन आई अपॉन में कितना बचेगा? टू आर। तो इस प्रकार से बी बराबर हमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर। अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी जो दिशा है अर्थात जो बी है, बी की दिशा कुंडली के, जो कुंडली है उसका तल है, उसके क्या होता है? लंबवत होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी की दिशा कुंडली के तल के लंबवत होती है। लंबवत होती है। तो इस प्रकार से हमने अब निकाला, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब यदि मान लिया जाए, अब यदि हम माने कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी जो तीव्रता है कुंडली
का जो तल है, जो हमने कुंडली बनाई है, उस कुंडली का जो तल है, उस तल में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है हमारे पास, म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, इतना है। अब संपूर्ण तल को हम एक समान मान लें, तो संपूर्ण तल एक समान है यदि, तो वृत्ताकार कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा हम निकालें, तो पूरा जो समतल वृत्ताकार कुंडली है उसे हम क्या मान रहे हैं, तल को एक समान मान रहे हैं, तो एक समान मान रहे हैं, तो वृत्ताकार जो कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हम यदि निकालें, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई से, तो फाई बराबर, अब देखिए यहां पे हम क्या ले रहे हैं, फेरों की संख्या एन, एन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है बी, और जो कुंडली है कैसा है, वृत्ताकार है, तो उसका एरिया ए, तो जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होता है फाई बराबर होता है एन बी ए। अब जो कुंडली है वह वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार होने के कारण आप जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हमने देखा कि यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इस ए की जगह हम क्या रखेंगे मान पाई आर स्क्वायर, तो हमें मिलेगा एन बी पाई आर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल है ए, उसके स्थान पे हमने क्या रख दिया पाई आर का वर्ग ये रखा। अब हमने बी का मान निकाला है म्यू जीरो एन आई बटे टू आर, इस मान को ये देखिए ये बी है, इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, तो रखने पर पाई बराबर एन, अब बी के स्थान पे हम रख रहे हैं म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर, और साथ में यहाँ क्या है ऊपर, ऊपर में आर स्क्वायर और क्या है पाई भी है, तो पाई आर स्क्वायर ये हम रखेंगे। अब देखिए इसमें एक आर, ये एक आर है, यहाँ आर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा फाई बराबर म्यू जीरो, अब देखिए एन और एन दो बार है, तो म्यू जीरो हम क्या लिखेंगे पाई भी है ना, तो म्यू जीरो पाई हम कांस्टेंट है पहले लिख लेते हैं, म्यू जीरो पाई, फिर एन और एन क्या होगा एन स्क्वायर आई, इस आर से ये दो आर है एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर और आर कैंसिल, तो यहाँ एक आर बचेगा और अपॉन में कितना बचेगा टू, तो इस प्रकार से फाई बराबर हमारे पास आया म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आई आर बटे दो। तो ये हम इसे दे देते हैं समीकरण एक। अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक, तो स्वप्रेरण गुणांक से तात्पर्य क्या होता है कैपिटल एल से, एल का मान हमको निकालना है, तो देखिए यहाँ पे फाई हमारे पास है और इस फाई का मान आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है एल इंटू आई, तो हमने पढ़ा है कि फाई बराबर होता है एल इंटू आई, हमने पढ़ चुका है, तो इसे हम दे देते हैं समीकरण दो। तो अब देखिए समीकरण एक व दो से इस फाई के जगह में हम क्या रख सकते हैं एल आई, तो समीकरण एक व दो से
इस फाई की जगह हम क्या रखेंगे, एल आई, तो हम रख देते हैं एल आई, फिर बराबर इधर क्या है म्यू जीरो फाई एन स्क्वायर आई आर बटे दो। तो इस फाई के स्थान पे हमने रखा एल आई। अब हमको किसका मान चाहिए, एल का मान, स्वप्रेरकत्व का मान हम अब इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो एल का मान हमें क्या मिलेगा, एल बराबर, अब देखिए ये आई कहाँ हो जाएगा, इस आई के साथ क्या हो जाएगा, अंश में है तो दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर और क्या बचेगा आर बटे दो। तो हम लिखेंगे एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बटे दो। तो इस प्रकार से हमने एल का मान निकाला, एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बटे दो, और यही समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण के लिए व्यंजक है, जहाँ पे n फेरों की संख्या है, r त्रिज्या है, म्यू जीरो और पाई क्या है कांस्टेंट राशि है। यदि आपको n और r का मान पता है तो आप l का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि कुंडली के अंदर ये म्यू जीरो क्या है माध्यम है, तो यदि कुंडली है उसके अंदर में वायु या निर्वात लें हम लोग, तो वायु या निर्वात के स्थान पर, क्योंकि वायु या निर्वात है तो म्यू जीरो लेते हैं, तो वायु या निर्वात के स्थान पर हम लोग यदि म्यू ले लें तो म्यू क्या होता है निरपेक्ष चुंबकशीलता, म्यू हम लेते हैं तो वह कहलाता है निरपेक्ष चुंबकशीलता का कोई माध्यम यदि रखा हुआ है, तब हम इसी सूत्र को चेंज करके लिख सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं एल बराबर क्या लिखेंगे म्यू जीरो के स्थान पे क्या लिखेंगे म्यू पाई एन स्क्वायर आर बटे दो। तो यहाँ पे ये म्यू जो हमने प्रयोग में लाया है, ये म्यू म्यू बराबर हम ले रहे हैं क्या क्या लेंगे हम इसे म्यू जो है उसे क्या कहते हैं चुंबकशीलता। तो म्यू जो है वह है निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो म्यू निरपेक्ष चुंबकशीलता का जो वायु या निर्वात के स्थान पर यदि हम रखें तो सूत्र को हम इस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं एल बराबर म्यू पाई एन स्क्वायर आर बटे दो। तो ये हम समीकरण एक दिए, समीकरण दो इसे हम दे देते हैं, इसे समीकरण तीन, ये जो हमने निकाला है इसे हम देते हैं समीकरण तीन। अब इस समीकरण तीन में हमने हम यदि देखें कि जो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण जो गुणांक है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है हम देखें, तो हमारा सूत्र है एल बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बटे दो। इससे हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है ये हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने
समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त किया, L बराबर म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर बटे दो। यदि निरपेक्ष चुंबक चुंबकशीलता म्यू हो उस कंडीशन में, इसे आप दे दीजिए समीकरण, अगला समीकरण ये हो जाएगा चार। इस प्रकार से समीकरण तीन और समीकरण चार से हम देखें कि समतल वृत्ताकार कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं समीकरण चार से ले लेते हैं, तो समीकरण चार से समतल वृत्ताकार कुंडली कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण क्या है गुणांक, निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब यदि हम देखें तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं तो त्रिज्या है R, R क्या है कुंडली की त्रिज्या है, तो R को हम देखें तो कुंडली की त्रिज्या पे क्या करेगा L जो है, L किस पे निर्भर करेगा R पे, तो हम लिखेंगे कि कुंडली की पहला क्या होगा कुंडली की त्रिज्या पर, तो कुंडली की जो त्रिज्या है क्या है R, तो कुंडली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। तो जैसे जैसे हम कुंडली की जो त्रिज्या है वो बढ़ाते जाएंगे तो कुंडली की त्रिज्या बढ़ाने पर क्या होगा स्वप्रेरण का मान भी क्या होगा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि L जो है स्वप्रेरकत्व है वो क्या होती है त्रिज्या की क्या होती है अनुक्रमानुपाती होती है, तो L अनुक्रमानुपाती R है, तो कुंडली की त्रिज्या बढ़ाने पर त्रिज्या यदि हम बढ़ाएं तो बढ़ाने पर, ऐसा हम यदि तीर के चिन्ह से बताएं कि हम बढ़ा रहे हैं ऐसा आप बना सकते हैं, तो त्रिज्या बढ़ाने पर या आप शब्दों में लिखना चाहें तो त्रिज्या बढ़ाने पर जो स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण है जिसे आप कहेंगे वह क्या होगा बढ़ जाएगा, तो स्वप्रेरण बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे कि कुंडली की त्रिज्या बढ़ाने पर स्वप्रेरण क्या होता है बढ़ जाता है क्योंकि L अनुक्रमानुपाती R है। दूसरा हम आए R के बाद हम देखें इधर तो क्या है N, तो N क्या है कुंडली में फेरों की संख्या है, तो हम लिखेंगे कि कुंडली में फेरों की संख्या पर कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि आप कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाते चले जाएं तो स्वप्रेरण भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरण बढ़ जाता है। यदि हम देखें तो L अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे देखिए L बराबर है किसके N वर्ग के, N वर्ग, तो हम L अनुक्रमानुपाती क्या लिखेंगे N वर्ग, तो L अनुक्रमानुपाती क्या है N वर्ग होगा।
अब इसी प्रकार से तीसरा यदि हम देखें तो पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, ये दो भी क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, बचा क्या म्यू, म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता। तो हम तीसरा कहेंगे कि माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। तो माध्यम की चुंबकशीलता पर, यदि हम चुंबकशीलता का मान अधिक करते जाएंगे, अधिक हम कैसे करेंगे, अधिक करने के लिए हम नरम लोहे का यदि उपयोग करें, नरम लोहे का यदि हम उपयोग करेंगे तो माध्यम की जो चुंबकशीलता है वह अधिक हो जाएगी। तो चुंबकशीलता हम अधिक यदि कर देते हैं तो स्वप्रेरण गुणांक जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी क्या है, अनुक्रमानुपाती है, अंश में है, अंश में यदि कोई राशि है तो उसका मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये पूरी राशि अंश में है, L इस पार है, तो स्वप्रेरकत्व का मान क्या कहेंगे हम, बढ़ जाएगा। तो बटे में यदि रहता है व्युत्क्रमानुपाती तो घटता है, हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती में होने के कारण हम कहेंगे कि माध्यम की चुंबकशीलता यदि अधिक है तो स्वप्रेरण गुणांक बढ़ जाता है। और यदि हम लिखें इसे संकेत के रूप में तो L अनुक्रमानुपाती हम लिखेंगे म्यू। हम समीकरण चार से देख रहे हैं तो समीकरण चार में क्या है, म्यू है, यदि आप तीन से लेंगे तो म्यू जीरो हो जाएगा। तो दोनों समीकरण से हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, समीकरण चार से हमने ले रहे हैं कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या बढ़ाने पर L का मान बढ़ जाएगा, फेरों की संख्या पर, फेरों की संख्या बढ़ाने पर भी बढ़ जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता बढ़ाने पर भी बढ़ जाता है। तो जो ये सूत्र है इसमें जो चीज़ें हैं उन्हीं को हमने लिया है, R त्रिज्या है, N फेरों की संख्या है, म्यू जो है वह निरपेक्ष चुंबकशीलता है, तो इस पर यह निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार से हमने अभी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए निकाला। अब हम कोई एक लंबी परिनालिका है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का मान ज्ञात करेंगे, L का मान हम निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व। अब हमारी जो परिनालिका है वह कैसी है, लंबी है, तो हम लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए हम एक पहले हम परिनालिका का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये हमारी तो एक लंबी हमने परिनालिका बनाई, इस परिनालिका की लंबाई हम मान लेते हैं स्मॉल एल है, इस परिनालिका की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है, इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह आई है। तो इस प्रकार से हमने एक लंबी परिनालिका का निर्माण किया और फेरों की संख्या कैपिटल एन है,
चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कार्य करेगा बी। तो इस प्रकार से हमने एक परिनालिका का निर्माण किया। तो हम लिखेंगे कि ये हमारा एक चित्र हो गया। इसमें आप जब चित्र बनाएंगे तो सभी समान त्रिज्या की हैं। त्रिज्या आपस में क्या होना चाहिए? समान, क्योंकि हमने आर त्रिज्या का लिया है तो त्रिज्या जो है वो समान होनी चाहिए। तो त्रिज्या समान है परिनालिका में। तो हम लिखेंगे कि परिनालिका की लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। त्रिज्या स्मॉल आर है। प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या अब देखिए, ये हमने जो n लिया है ये कुल फेरों की संख्या है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रति एकांक लंबाई, मतलब एकांक एकांक दूरी पर, ये एकांक फिर अगला एकांक फिर एकांक, तो एकांक लंबाई के लिए हम निकाल रहे हैं। तो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या हम क्या लेंगे? स्मॉल n। वो पूरा जो फेरों की संख्या है उसको हम कैपिटल एन ले रहे हैं चित्र में। और प्रति एकांक यदि हम कहेंगे, एकांक मतलब एक एक इकाई की दूरी तक फेरों की संख्या कितनी है, वह है एन। तो परिनालिका में कुल फेरों की संख्या यदि हम कहें, अब कुल फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या क्या होगी? कैपिटल एन होगी। तो कुल जो फेरों की संख्या है वह कैपिटल एन हम निकालेंगे। तो कैपिटल एन बराबर, अब देखिए, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल एन, परिनालिका कितनी लंबाई का है? एल लंबाई का है। तो फेरों की संख्या कुल क्या होगी? कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल। तो हमारे पास कुल फेरों की संख्या मिल जाएगी एन बराबर, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल, ये कुल फेरों की संख्या होगी। अब परिनालिका में, परिनालिका में धारा, धारा को हम I से दर्शाते हैं, धारा I प्रवाहित हो। अब धारा I क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो केंद्र पर हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, B बराबर हम दर्शाएंगे। अब हम B बराबर वहां पे क्या लेंगे? वायु या निर्वात है तो म्यू जीरो, फेरों की संख्या होगी n, धारा प्रवाहित हो रहा है I। तो हम लिखेंगे B बराबर म्यू जीरो एन आई। म्यू जीरो यहाँ पे क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये म्यू जीरो जो है वह है निर्वात की चुंबकशीलता। इसके पश्चात अब हम यदि लें जो परिनालिका की लंबाई है, परिनालिका की लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। यदि ये बहुत अधिक हो, परिनालिका की लंबाई क्या हो? बहुत अधिक हो त्रिज्या से, तो हम कहेंगे कि एल इज वेरी ग्रेटर देन एल, एल इज वेरी ग्रेटर देन आर, आर कहेंगे कि परिनालिका की जो लंबाई है त्रिज्या से क्या है? बहुत अधिक है। तो लंबाई ज़्यादा है त्रिज्या कम है, इस कंडीशन में
चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये जो B का मान है, वह सभी स्थान पे क्या होगा, एक समान होगा। तो हम कहेंगे कि यदि L is very greater than R, इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान माना जाए। तो परिनालिका से बद्ध हम यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालें, तो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स को हम किससे दर्शाते हैं, फाई से। तो हम लिखेंगे फाई बराबर, अब देखिए फेरों की संख्या कितनी है, कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है, चुंबकीय क्षेत्र कितना कार्य कर रहा है, बी, क्षेत्रफल कितना होगा, ए। तो हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालें तो फाई बराबर हमें मिलेगा एन बी ए। अब हम मान रखें, बी का मान हमने निकाला है म्यू जीरो एन आई, तो हम यहाँ मान रखें और हम कैपिटल एन का मान भी निकाल चुके हैं, स्मॉल एन इंटू एल। तो हम मान रखते हैं एन का एन इंटू एल, फिर बी का मान रखते हैं म्यू जीरो एन आई, उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ए है, तो हम इसे यहाँ पे रख दिए ए। तो इस प्रकार से हम फाई बराबर हमें प्राप्त हुआ एन एल म्यू जीरो एन आई ए। अब आप जानते हैं हमें क्या निकालना है, स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का मान क्या होता है, L बराबर हमने निकाला था फाई अपॉन आई। ये निकालते हैं हम लोग कि स्वप्रेरकत्व L का मान क्या होता है, फाई बटे आई। तो अब यहां पे हम देखें तो फाई बराबर हमने निकाला है N L म्यू जीरो एन आई ए। तो फाई बटे क्या होना चाहिए, आई, तो फाई बटे आई है तो क्या बनेगा, L। अब देखिए ये फाई है बटे, अब इसमें देखिए ये राशि आई है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, फाई बटे क्या होगा, आई बराबर यहां क्या बच रहा है, म्यू जीरो अब एन और एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, आई नीचे चला गया, एल बचा और साथ में क्या बचेगा, ए। तो इस प्रकार से फाई बटे आई बराबर आपको क्या मिला, म्यू जीरो एन वर्ग एल ए। एल बराबर फाई बटे आई होता है। अगर हम ऐसा ना करें, हम एक काम और कर सकते हैं, हम क्या करें, फाई का मान हम लोगों ने निकाला है, फाई के मान को यदि यहां रख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमको L का मान मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि फाई का जो मान हमने निकाला है वहां रख देते हैं, L बराबर हम रखते हैं फाई के स्थान पे, तो N L म्यू जीरो एन आई ए अपॉन हो जाएगा आई,
ऐसा यदि हम करें तो एन 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 स्क्वायर कैपिटल एन। अच्छा फाइव बराबर एन बी ए है तो एक काम और करते हैं हम, एन का मान ना रख के इसको एन ही रखते हैं, आगे हम उसका उपयोग करेंगे, इसको एन रह दीजिए, एन म्यू जीरो इसको एन बना देते हैं। तो एल बराबर एन म्यू जीरो एन आई ए अपॉन y का मान एन एल। म्यूजरो एन स्क्वायर रखते हैं तो क्या होगा, n का मान हमने निकाला है एन एल, यदि रखते हैं तो क्या हो रहा है एन 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 स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है म्यू जीरो एन स्क्वायर एल आई और क्या मिल रहा है ए। ठीक है यदि हम मान रखें तो एन 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 स्क्वायर हो रहा है तो एल बराबर वहां पे हम मान रखें फाई के जगह में तो म्यू जीरो एन स्क्वायर एल आई ए अपॉन आई, इसे आप दीजिए समीकरण एक। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि कैपिटल एन बराबर होता है, हमने निकाला है एन इंटू एल, इसको यदि हम लें तो एल बराबर हम यदि यहां देखें तो म्यू जीरो है, अब देखिए एन एल है एन एल, इस एन एल को यदि हम देखें तो एन एल बराबर क्या है कैपिटल एन और यहाँ एन के घात में क्या है दो, तो यदि मैं इसे ऐसा लिखूं एन स्क्वायर, यदि हम इसको एन स्क्वायर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे एल है तो एन एल का मान कितना है एन, ठीक है तो एन एल का मान है एन एल का मान एन, तो ये देखिए ये वर्ग बना रहे हैं हम लोग, तो चूंकि यहाँ पे L का वर्ग नहीं है, L का वर्ग है क्या नहीं है, तो नहीं होने के कारण हम उतने का क्या कर दें भाग कर दें, तो N वर्ग बटे L वर्ग हो गया, अब L वर्ग होगा तो इस L से क्या होगा कैंसिल होगा, तो इस प्रकार से हम इस N वर्ग L को लिख दें N बटे L पूरे की घात में दो, और बचा कितना ये देखिए I से I क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, ये I से I कैंसिल और बचा कितना L इंटू ए। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हम इस रूप में रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करने के पश्चात हम यदि देखें तो L बराबर म्यू जीरो, अब देखिए ये एन स्क्वायर है ये एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर से ये एक एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे एक एल बचेगा, तो म्यू जीरो एन वर्ग ये एन वर्ग हुआ ये क्या हो गया कैंसिल और बचा कितना ए बटे में कितना बचेगा ये एल स्क्वायर है तो एल बचेगा ये एल, इसे आप दीजिए समीकरण दो, और इस प्रकार से L बराबर हमें मिला म्यू जीरो एन वर्ग ए बटे एल, और यही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है, और यदि निरपेक्ष चुंबकशीलता म्यू हो तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे L बराबर म्यू एन वर्ग ए बटे क्या लिखेंगे L। तो इस प्रकार से ये अगला जो हो गया समीकरण तीन, और हम कहेंगे कि यही लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है L बराबर म्यू एन स्क्वायर ए बटे एल।
ये हो गया हमारा व्यंजक। यह किन किन बातों पे निर्भर करता है? तो आप कहेंगे क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या पे निर्भर करता है, परिनालिका की लंबाई पर निर्भर करता है। धन्यवाद।